कि आप भी किसी को कॉल लगा रहे हैं और आपका कॉल नहीं लग रहा है, या फिर आपका कॉल ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी इस कॉल वाली प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जब यहां पर आप किसी को कॉल करते हैं, चलिए यहां पर मैं एग्जांपल पे आपको दिखाता हूं। यहां पर जैसे यहां पर देखिए, अगर हम किसी को यहां पर कॉल करते हैं तो यहां पर कॉल करने के बाद आपका कॉल नहीं लगता या फिर ऑटोमेटिक आपका यहां पर कॉल कट जाता है। सो गाइस, यहां पर कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ऐसा होता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टेप जो आपको यहां पर करने होंगे और आपकी यहां पर कॉल वाली सारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। ये कभी कभी ऑटोमेटिक भी आपके मोबाइल में हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आप गाइस देखिए, यहां पर आप अपने नोटिफिकेशन को यहां पर आप डाउन करेंगे तो यहां पर देखिए, आपको यहां पर देखिए, ये आपका यहां पर फ्लाइट मोड नहीं लगा होना चाहिए। किसी कभी होता ना कि आपके मोबाइल अगर बच्चे चलाते हैं तो कभी कभी वहां पर फ्लाइट मोड लगा देते हैं, तो जिसके कारण आप यहां पर कॉल पर जब भी क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा। तो आप जब कॉल लगाएंगे तो यहां पर आप सेटिंग में जाएंगे तो इधर उधर आप परेशान हो जाते हैं। तो सिंपली आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर आपका फ्लाइट मोड यहां पर इनेबल नहीं होना चाहिए, इसे आप यहां से हटा सकते हैं। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके यहां पर प्रॉपर नेटवर्क आने चाहिए। कभी कभी होता है नेटवर्क इशू होने के कारण कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, फिर आप वहां से बाहर निकल के आते हैं, फोन लगाते हैं तो आपके नेटवर्क उसी एरिया से कंटेक्ट रहते हैं, तो यहां पर नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आप यहां पर फ्लाइट मोड लगाकर इस तरीके से यहां पर इनेबल करके इस तरीके से यहां पर छोड़ देंगे तो यहां पर आपके यहां पर पूरे यहां पर फुल नेटवर्क आ जाएंगे। जिस जगह पर आप खड़े होंगे उस जगह के हिसाब से वहां पर नेटवर्क कैसे हैं, अगर कमजोर है तो बात अलग है, नहीं तो आपके यहां पर प्रॉपर नेटवर्क आ जाएंगे। तो ये तो हुए छोटी सी मिस्टेक अगर आपके मोबाइल में होती है। और इसके बाद अगर कोई आपके में बड़ी मिस्टेक होती है तो आपको कैसे सही करना, चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से सबसे पहले हम अपनी सेटिंग पर आएंगे। चलिए यहां पर हम अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम आप अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं। इसके बाद आपको यहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर सिम कार्ड्स मोबाइल डाटा, तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ध्यान से देखना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है कॉलिंग का, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉलिंग का, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए, कभी कभी यहाँ पर होता है कि यदि हमारे रिचार्ज फर्स्ट वाले सिम पर है, यहाँ पर सेकंड वाली सिम को हमने सेलेक्ट कर रखा है और अब हम यहाँ पर कॉल पर डायल करेंगे तो जो वहाँ पर फ़ोन ऑटोमेटिक लगेगा यानी डिफॉल्ट सेटिंग से, तो वो सिम टू वाली पे लग जाएगा और पहले वाले में रिचार्ज या सेकंड वाले में रिचार्ज नहीं है तो कॉल नहीं लगेगा, कॉल कट जाएगा। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। कभी कभी होता है यहाँ पर आप एलवेज एक्स पे लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों सिम का ऑप्शन मिल जाता है कि आप फर्स्ट से करेंगे या सेकंड से, या कुछ लोग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं फर्स्ट से या सेकंड से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये एक यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको यहाँ पर अगर सेकंड में है तो यहाँ पर सेकंड को सिलेक्ट करना है, अगर आपके फर्स्ट में है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक उसी से लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सिम देखने को मिलता है, जिस भी सिम में आपके रिचार्ज है सिंपली आप उसी सिम को यहाँ पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, कभी कभी होता है ना कि ये सिम डिसेबल हो जाते हैं, कभी कभी कोई बच्चे लोग सेटिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये सिम है, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये एक इनेबल डिसेबल का ऑप्शन होता है, जब यहाँ पर इसे कोई क्लिक कर देगा तो ये जो आपका सिम है यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। देखिए अभी वहाँ पर फर्स्ट में आपको यहाँ पर देखिए दो सिम देखने को मिल रहे थे, अभी यहाँ पर एक ही सिम दिख रहा है। यदि कोई गलती से आता है और इन्हें यहाँ पर आपका मोबाइल अगर बच्चे चलाते हैं या कोई भी चलाते हैं या आपसे मिस्टेक में यहाँ पर ये डिसेबल हो जाते हैं सेटिंग में आकर, तो यहाँ देखिए आपको यहां पर देखिए फर्स्ट में आपको यहां पर देखिए सिम यहां पर शो नहीं कर रहा है। यदि आप किसी को कॉल करेंगे तो यहां पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो यहां पर कॉल ही नहीं लगेगा। चलिए यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर डायलिंग पे आएंगे हम, चलिए यहां पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए डायलिंग पर क्लिक करेंगे, किसी भी कॉल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इसी तरीके से फिर यहां पर पॉपअप आएगा और आपके यहां पर कोई भी यहां नेटवर्क नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आपके में ऐसी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है जहाँ पर हम देखिए कोई भी नेटवर्क नहीं है तो आपको सिम इस कार्ड में ही आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको देख लेना है नॉट इनेबल का जहाँ ऑप्शन होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से इनेबल कर लेना है, ठीक है। ये आप इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सिम आपका यहाँ पर देखिए इनेबल होने लग गया है। प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए आपका सिम इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेरा एक सिम पहला इनेबल हो गया है और आप जिस सिम से यानी आपका हो सकता है एक सिम बंद हो जिसमें रिचार्ज हो, उसी सिम को किसी ने यहाँ पर इनेबल करने के बजाय उसको ऑफ कर दिया हो तो उस और दूसरे सिम से आप रिचार्ज मिला रहे हो तो आपका फ़ोन ना लग रहा हो, तो ये बात को ध्यान रखना है। आप यहाँ पर सिम देखिए हमारे दोनों यहाँ पर इनेबल हो चुकी हैं, अब हम किसी भी यहाँ से अगर कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आप किसी भी
तो सो गाइस आपने सुना कि यहाँ पर अभी ये कॉल जाने लग गई, इसी तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा वो कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप सिंपली अपने मोबाइल को यहाँ पर ये पावर ऑफ वाली बटन पर प्रेस करके रखेंगे और अपने मोबाइल को यहाँ से रीस्टार्ट करके फिर से ओपन कर लेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।